क्विकली 10 की 14 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे, सिर्फ रिजल्ट से खबरों जैसे लाल हरे हैं आज, मार्केट का मूड एकदम अलग है, ध्यान रखिएगा। पावर ग्रिड, ICICI बैंक, SBI कार्ड खराब नंबर्स के चलते लाल, डॉक्टर रेड्डीज, J&K बैंक, इवन कैप्टन पाइप्स और जेन टेक्नोलॉजीज अच्छे रिजल्ट्स के चलते ग्रीन में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की होप्स डाइवेस्टमेंट रिलेटेड, और ग्लेनमार्क लाइफ के एक प्लांट पे गाज गिरी और BHL को एक ऑर्डर मिला, इसीलिए सब स्टॉक्स रेड आर पे। ओके, फोकस हमने रिजल्ट पे ही ज़्यादातर किया है और छोटे मझोले शेयर है। PNB दिग्गज है, थोड़ा बहुत ही अच्छे नतीजे आए तो इसके इसको रखा है। MCX, IFB इंडस्ट्रीज, अनंत राज, सुमितोमो, ये सब बहुत तूफानी रिजल्ट पेश किए इन्होंने। नुआमा वेल्थ हर क्वार्टर में हर साल बढ़िया नंबर, केन्स टेक्नोलॉजीज भी उसी लीग में। राइट्स में खबर आई है कि 31 जुलाई को बोनस शेयर पर विचार करेंगे, बोर्ड बैठक है। मनप्पुरम फाइनेंस में इनकी एक सहयोगी कंपनी में 20 करोड़ रुपए के एक एम्प्लॉय द्वारा फ्रॉड का पता लगा है, अनुमान है कि शायद ऐसा हुआ होगा, आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। और CMS इंफोसिस्टम्स पर नतीजों के बाद डैम कैपिटल की रिपोर्ट है और 650 का टारगेट है बाइकॉल के साथ। ओके, टीम्स को आपने देखा, प्री ओपन की जो अभी फ्री सिजिक्ट्री नहीं है, बट इट्स स्टिल 24940, 104 अंक ऊपर है निफ्टी। राजेश जी, आपका ट्रेड इन दोनों टीम्स में से एक एक क्या होगा? वीरेन जी देखिए, अगर आशीष जी की टीम देखे तो जो सबसे बढ़िया पैटर्न है वो है भेल का, BHEL। मुझे लगता है क्लीन ब्रेकआउट मिला था फ्राइडे के सत्र में, क्लोज बहुत बढ़िया था। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 330 से लेकर 335। पहला 330 होगा, नेक्स्ट 335 होगा, लॉन्ग करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 312। नीरज जी की टीम देखे तो जो पर्टिकुलर मुझे अच्छा लग रहा है वो है सुमितोमो केमिकल। वीकली चार्ट इसका बहुत बेहतरीन है, कंसोलिडेशन है, डेली चार्ट भी अच्छा है, कंसोलिडेशन है, तो रेंज अच्छा मिल रहा है, 500 के ऊपर हमें बाय करना है। 495 का स्टॉप लॉस होगा, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, इनिशियल टारगेट होगा 525 का, लेकिन वो लेवल निकलेगा तो मुझे लगता है 560 तक की जगह बन रही है। तो सुमितोमो केमिकल ये एक पिक होगा एंड भेल ये बाय, दोनों बाय साइड के ट्रेड। ओके, दोनों बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।